किसी ने आज मुझसे पूछा कि इस प्रिपरेशन में जो आइसोलेशन है उस चीज़ का हम कैसे सामना करें, कैसे फेस करें। बहुत पेनफुल जर्नी है, बहुत हमें प्रॉब्लम होती है। तो ट्रस्ट मी, आपको ना उस तरीके की आइसोलेशन की कोई ज़रूरत नहीं। यानी ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। एक चीज़ आप खुद सोचो, अगर आप अपने शरीर को धूप नहीं दोगे, हवा नहीं दोगे, नेचर की वाइब्स नहीं दोगे, तो ग्रो कैसे करेगी? बीमारी आएगी, राइट? तो उसी तरह मेंटल हेल्थ भी एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ तभी आपकी बैलेंस्ड रहेगी जब आप उसको इंसानों के बीच रखोगे। पॉइंट ऑफ व्यूज़ चाहिए होंगे उसे, उसे निगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ की, इन्वायरमेंट की उसे आदत होनी होगी, तभी आप चीज़ों को, प्रेशर को फेस कर पाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा, हम अपने एक शेल में रहते हैं। एंड जब हम उस चीज़ से बाहर जाते हैं, एग्जाम्पल द डी डे ऑफ एग्जामिनेशन, वहाँ पे इसलिए हम स्ट्रेस्ड आउट होकर बहुत एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस का सामना करते हैं। बिकॉज इससे पहले हम अपने एक जोन में बस पढ़ते थे, हमने प्रेशर को, हमने लोगों को साथ इतना डील ही नहीं किया। जैसे कि एग्ज़ाम हॉल जाने से पहले किसी ने आपको अगर कुछ गंदा बोल दिया, निगेटिव बोल दिया, तब एकदम पैनिक कर जाओगे। तो इस चीज़ की आदत भी होनी चाहिए। हाँ, काउंटर मत करो, बट लोगों की बातें सुनो, उनकी पर्सपेक्टिव सुनो, है ना? क्योंकि एंड ऑफ द डे एग्ज़ाम क्लियर हो ना हो, आपको इस सोसाइटी में रहना है।